हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइज, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि इनकम टैक्स के पोर्टल पर आप अपना नया आईडी कैसे जनरेट करें। गाइज, अगर आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे जाकर अपना टीडीएस जानना है, आईटीआर फाइल करना है, रिफंड चेक करना है, 26AS डाउनलोड करना है, तो गाइज ये सारे काम करने के लिए आपको इनकम टैक्स इंडिया के पोर्टल पर आपका अकाउंट होना आवश्यक है। गाइज, सबसे पहले हम गूगल में जाएंगे और गूगल में जाने के बाद incometax.gov.in इसे टाइप कर देंगे। गाइज, इसे टाइप करने के बाद इंटर कर देंगे। गाइज, इंटर करने के बाद हम इनकम टैक्स इंडिया के पोर्टल पर आ जाएंगे। अब यहां से गाइज आप राइट साइड में ऊपर देख सकते हैं, यहां लॉगिन और रजिस्टर का दो ऑप्शन दिख रहा है। अब हमें अपने पैन कार्ड को यहां पे रजिस्टर करना है, यानी हमें एक नया आईडी क्रिएट करना है। इसके लिए गाइज यहां रजिस्टर पर हम क्लिक कर देंगे। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद इस प्रकार से पेज ओपन होगा। यहां आप देख सकते हैं लेट्स गेट स्टार्टेड, यहां से टैक्स पेयर चूज कर लेना है हमको। यहां से अदर्स का भी ऑप्शन है, लेकिन हम यहां पे टैक्स पेयर को सिलेक्ट करेंगे। टैक्स पेयर सिलेक्ट करने के बाद गाइज यहां पे हम पैन नंबर अपना इंटर करेंगे। अब गाइज यहां वैलिडेट पे जैसे ही क्लिक करेंगे, यहां से आप देख सकते हैं पैन वैलिडेटेड सक्सेसफुली। अगर गाइज ये पैन पहले से यहां पे रजिस्टर होता, पैन ऑलरेडी रजिस्टर यहां पे शो हो जाता। अब गाइज यहां से हम नीचे आएंगे, नीचे आप देख सकते हैं प्लीज कंफर्म इफ यू वांट टू रजिस्टर एज इंडिविजुअल टैक्स पेयर, तो यहां पे यस कर देना है। इंडिविजुअल के लिए यहां पे हमें गाइज यस कर देना है। यहां से हम कंटिन्यू कर देंगे। गाइज कंटिन्यू करने के बाद यहां आप देख सकते हैं रजिस्टरिंग एज इंडिविजुअल। गाइज यहां पे आपके बारे में पूछा जा रहा है, तो अगर आपका एक ही नाम है यानी कोई सर नेम नहीं है, तो हम लास्ट वाले में, यहां लास्ट नेम में वह नाम फिल कर देंगे। और गाइज अगर आपका आपके नाम के आगे सर नेम लगा हुआ है, तो आपको यहां पे फर्स्ट नेम अपना डालना है और यहां पर लास्ट नेम यानी जो आपका सर नेम है उसको डाल देना है। गाइज यहां पे डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेना है, यहां पे जेंडर को सिलेक्ट करना है। जेंडर सिलेक्ट करके रेजिडेंशियल स्टेटस पे आ जाएंगे, यहां पे हमें रेजिडेंट को सेलेक्ट कर लेना है। यहां सेलेक्ट करने के बाद गाइज कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद दूसरा पेज ओपन हो जाएगा। गाइज अब यहां से आपके एड्रेस के बारे में पूछा जाएगा। गाइज यहां पे हम अपना प्राइमरी मोबाइल नंबर डाल देंगे। अब ये मोबाइल नंबर किसका है यहां से आपको सिलेक्ट करना है। सिस्टर का है, ब्रदर का, फ्रेंड का, सेल्फ, सन, रिलेटिव, जिसका भी है यहां से हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये सेल्फ है तो यहां पे सेल्फ को सिलेक्ट करेंगे। अब यहां पे ईमेल आईडी डालना है। गाइज यहां से प्राइमरी ईमेल आईडी डाल देंगे। ईमेल आईडी किसका है वह यहां पे सिलेक्ट कर लेंगे। स्वयं का है तो यहां सेल्फ सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद गाइज यहां नीचे जाके कंट्री सिलेक्ट करेंगे। गाइज यहां पर मकान नंबर इंटर करेंगे। गाइज यहां पर पिन कोड इंटर कर देंगे। इस प्रकार से हम अपना पूरा एड्रेस यहां पर गाइज फिल कर देंगे। फिल करने के बाद आगे कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद गाइज यहां पर एक ओटीपी जाएगा। अब वो ओटीपी जाएगा गाइज मोबाइल नंबर पर और जो ईमेल आईडी हमने अभी सबमिट किया है उस ईमेल आईडी पर। गाइज मोबाइल और ईमेल पे जो ओटीपी गया है उसको यहां पर इंटर करने के बाद नीचे गाइज यहां से कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद आपने जो भी डिटेल फिल किए हैं गाइज वो सारी डिटेल यहां पर शो होने लगेगी। इसे आप अच्छे से चेक कर लेंगे। इसमें अगर किसी प्रकार की करेक्शन की आवश्यकता होगी तो आप यहां आप देख सकते हैं एडिट का ऑप्शन शो हो रहा है। इस एडिट के ऑप्शन पे जाके फिर से इस डाटा में करेक्शन कर सकते हैं। और अगर ये हमारा डाटा सही है तो यहां से गाइज कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद नीचे पासवर्ड जनरेट करने के लिए ऑप्शन आ रहा है गाइज, यहां से हम
एक स्ट्रांग पासवर्ड बना लेंगे। और पासवर्ड गाइज आप नीचे देख सकते हैं कि 8 से लेके 14 कैरेक्टर तक का ये पासवर्ड होना चाहिए, जिसमें एक अपर और लोअर केस का लेटर होना चाहिए गाइज, में नंबर होने चाहिए और स्पेशल कैरेक्टर होने चाहिए। इन सभी के कॉम्बिनेशन से हम एक पासवर्ड बनाएंगे। गाइज यहाँ पर पासवर्ड इंटर करने के बाद यहाँ पर आप कोई भी मैसेज लिख सकते हैं, और मैसेज जब लिखेंगे गाइज, जब आप लॉगिन करेंगे अपने आईडी से, तो वह मैसेज वहाँ पर शो होगा। ये मैसेज लिख दिया। अब मैसेज लिखने के बाद यहाँ से हम रजिस्टर पर क्लिक कर देंगे। गाइज रजिस्टर करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे मैसेज आ गया, रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग विद ई फाइलिंग। गाइज यह पैन नंबर अब इनकम टैक्स इंडिया के पोर्टल पर सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुका है। अब यहाँ प्रोसीड टू लॉगिन पर क्लिक करके पोर्टल में लॉगिन किया जा सकता है। तो गाइज इस प्रकार से आप इनकम टैक्स इंडिया के पोर्टल पर नया आईडी बनाएंगे। गाइज वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।